सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐप द रीतो। तुम्हारा भाई अमान और मेरे साथ इस बार है जामिन भाई। हेलो। तो भाई, जैसा कि आपको पता है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम कहीं ना कहीं की भाई ट्रिप कर रहे हैं। तो भाई ट्रिप जा रहे हैं हम लद्दाख। तो भाई लद्दाख के लिए हमने बहुत सारी हमें जो है सामान इकट्ठा करना पड़ा, और भाई ये समझो कि इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ी है ना कि भाई बस पूछो ही मत। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने अरेंजमेंट की है जाने के लिए, क्या प्रिपरेशन हमारी है, और क्या आपको बजट चाहिए ये सब लेने के लिए। तो भाई व्लॉग में फुल मज़ा आने वाला है। तो भाई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और भाई शुरू करते हैं अब वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, जैसा हमने अभी बताया, इस बार हमने टूर का प्लान बनाया है लद्दाख का, जिसमें हम आपको पूरा सफ़र एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। बट इस टाइम जो हमने ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हमने सामान कलेक्ट किया है, लोग जाने की सोचते हैं बट होता क्या है, वो उन्हें पता नहीं किस किस सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी बारे में हमने यहाँ कलेक्शन किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन अमान करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई जामिन भाई ने एक बात बोली कि हमने सामान बहुत सारा कलेक्ट किया है, लोगों को पता नहीं होता, बट हमारा भी फर्स्ट टाइम है। तो हमने भी यूट्यूब और इधर उधर से सब भाई पूछ के और सब चीज़ देखने के बाद में हमने ये सामान कलेक्ट किया। तो हो सकता है कि मे भी हमें भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाए इसमें, या ज़रूरत अलग से हमें पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखते दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे पास क्या क्या है और मैंने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। और तो भाई देखो, मैं पहले जामिन भाई किधर से स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। शू से करते हैं। तो भाई मैं शुरू करता हूँ अपने राइडिंग बूट से। तो भाई ये मैंने राइडिंग बूट्स ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये एक तो वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस हैं, तो भाई ये मुझे मिल ही नहीं पाया, मतलब वाटर प्रूफ वाले। ये ओराजो के हैं, ऑनलाइन लिए थे, और भाई ये मेरे को पड़े हैं अप्रोक्सीमेटली 5,500 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सेकंड अपनी थिंग है ये भाई मैंने एक्स्ट्रा मैड डॉग की लाइट्स लगवाई हैं अपनी बाइक में, तो ये सब उसके कवर हैं कि आपको फोग लैंप या कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हो। इसके अंदर लेंसेज हैं और कुछ नहीं है। इसके अंदर एक फॉग लैंप है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, ताकि चलान न कटे। वैसे ही इलीगल है भाई, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लाइट या कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं अपने उस पर, तो मगर फिर भी चलो कोई नहीं, चलान होगा तो देख लेंगे। भाई सबसे मेरी फेवरेट चीज़ है ये। तो भाई स्टोव जो है ना, इस पर बस हमें ये लगाना है और ये बनेगा भाई फुल मैगी और चाय का सिस्टम। भाई पहाड़ में मैगी और चाय, खुद कैंपिंग वैम्पिंग करके और जब चाय और मैगी बनाएंगे तो आपको पता ही कितना मज़ा आएगा भाई। अमन भाई इसका यूज़ करके अभी दिखाओगे बाद में? यूज़ भाई सब लोग में दिखेगा, यूज़ अभी कुछ नहीं, क्योंकि यूज़ करने का मज़ा वही है जहाँ इसकी लोकेशन हो। अभी तो यहाँ तो गर्मी ही इतनी है भाई। तो इसको कैसे हम खरीदेंगे ऑनलाइन? इसे बस अमेज़ॉन से सिंपल मैंने ले लिया था, मैंने लिखा था पोर्टेबल स्टोव एंड गैस सिंपल। प्राइस इसका? प्राइस ये मेरे को पड़ा भाई अप्रोक्स 1500। बाकी इसमें बहुत सारे रेट थे, बहुत सारी के 4 कैंस वाला है, 2 कैंस, 3 कैंस, तो अपने ऊपर है भाई। okay. कैसा भी ले सकते हैं, तो घर के लिए भी ठीक ही है, एमरजेंसी के टाइम जाते हैं अपने। ये है भाई चेन क्लीनर एंड इसके साथ है चेन लूप। तो भाई कोई भी अगर लंबे टूर पे बाइक से जा रहा है, मेरी रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो मैंने वही ली है, रॉयल एनफील्ड गई, क्योंकि हर 300-400 किलोमीटर पर भाई पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मनाली गया था तो लेके नहीं जा पाया था इन सब चीज़ों को। ये मेरे को पड़ा 1500 या 1600 का है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ एक ब्रश है, ये गंदा है इसलिए मैंने पॉली में कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखो भाई ये है एयर पंप। भाई ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख की ट्रिप पे हमें नहीं पता मनाली के बाद हमें कुछ मिले या ना मिले, तो मैंने ये एक एयर वाला लिया है, और इसके साथ में मैंने पूरा ये जो है किट ये ले लिया है। मेरे ट्यूबलेस टायर हैं तो भाई ये सबसे मस्त है। हाँ इसमें एक ऑप्शन था कि आप बैटरी वाला ले सकते हो, मगर अब ठंड में जब आप जाते हो तो आपको पता है कि बैटरी ना बहुत जल्दी वीक हो जाती है बाइक या किसी भी चीज़ की, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने मैनुअल वाला लिया है, सिर्फ इसको प्रेस करो और हवा बढ़ जाती है। और भाई इसके बाद अपना आता है, ये मैंने भाई कैंप लिया है, ये लोकल ही है, कोई ब्रांडेड नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही ले लिया, क्योंकि मैं अभी तक कैंपिंग की नहीं है आज तक ज़िंदगी में भाई, तो देखना पड़ेगा कर भी पाएंगे या नहीं। ये भाई स्लीपिंग बैग है, ये 2 लोगों के लिए है स्लीपिंग बैग, बहुत सही है, कैंप खोलो इसके अंदर बिछा दो, बहुत बढ़िया है। उसी के साथ भाई ये मैंने लिए बहुत सही चीज़, ये है भाई टॉर्च, ये भी मैंने अमेज़ोन से ली, इसमें यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, ये ग्लास व्लास ब्रेक कर सकते हो, मतलब फुल बहुत सही चीज़ है। भाई इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पेट्रोल के लिए, मेरी वो कैंस हैं पेट्रोल के लिए भाई, क्योंकि मैं
मनाली के बाद में मुझे पेट्रोल पंप शायद एक जगह और पड़ता है, मुझे जगह याद नहीं है वो। उसके बाद में भाई बहुत दूर तक पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो मैंने वो कैंस ले लिए 5-5 लीटर की, क्योंकि 10 लीटर मेरे को चाहिए ही चाहिए पेट्रोल। उसके बाद में भाई आते हैं, ये अपना गोप्रो है, मैंने 3-4 मेमोरी कार्ड ले लिए हैं, 3-4 बैटरी, एक्स्ट्रा माइक्स, और इसका तो आपको पता ही है गोप्रो से इस समय वीडियो बन रही है। ये है भाई राइनोक्स के मैंने लिए हैं अपने राइडिंग ग्लव्स, ये तो कॉस्टली था थोड़ा, 5,500 का पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिया है एक्स्ट्रा अपना जो है कुछ भी कवर करने के लिए, रेन कवर कह सकते हो, बैक का रेन कवर है ये, और ये डीकैथलॉन का है तो मतलब सही है। और इसके बाद में भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैंने लिया है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सी 99 है, तो भाई सही है। इसकी 3 कैंस हैं, ये 12 लीटर है, इसके साथ ये मास्क है। इसके बाद में आते हैं भाई बंजी कॉर्ड्स, ये भाई बंजी कॉर्ड्स, हिंदी में बोलूँ तो रस्सी, इंग्लिश में बोलूँ तो बंजी कॉर्ड्स। इसका काम क्या है, इसका काम ये है जो भी मैं अपने साथ बैग लेके जा रहा हूँ, तो भाई ये सब टाई करने के लिए या कोई बीच में इशू हो जाता है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी, तो इसके मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। इसके बाद में आते हैं भाई थोड़ा सा टूल्स, ये मेरे टूल्स हैं, ये मेरे को दिखा था कहीं ऑनलाइन तो मैंने मार्केट से ले लिया, लास्ट वाले ब्लॉग में डाला भी था ये जब लिया था ये सब। उसके बाद में भाई आता है हमारे खुद के रेन सूट, ये है, ये मेरा है, ये जामिन भाई का, ये भी हो गया। अब क्या बचा भाई, इसके बाद में बचा भाई ये अपने कुछ कैंपिंग के लिए जो अपने ये लिया है, इसमें अब बनाएंगे क्या, बनाएंगे मैगी, और जब मैगी बनाएंगे तो भाई खाएंगे किस में, खाएंगे प्लेट में, और सिर्फ मैगी नहीं बनाएंगे भाई, पहाड़ पे हैं, ठंडी जगह हैं, तो भाई चाय भी चाहिए होगी, तो मैंने लिया है कप, ये एक मेरा कप है, एक जामिन भाई का है, और इसके साथ भाई जामिन भाई पीते हैं कॉफ़ी, जामिन भाई की ये कॉफ़ी ली है, और ये है एक दूध का पैकेट, ये मतलब दूध का पैकेट नहीं है, दूध का पाउडर जो होता है वो पैकेट ले लिया, क्योंकि वो जाते जाते ख़राब हो जाएगा, वैसा वाला ले नहीं सकते। और ये है कुछ किचन में शायद काम आता है, अभी तक तो यूज़ नहीं किए हैं, करेंगे लद्दाख में, कोई इशू नहीं है। और ये माइक्स को मैंने आपको दिखाई दिए, ये बनेगा किस चीज़ में, मेन है कि बनेगा किस चीज़ में भाई, इसमें बनेगा ठीक है, छोटे छोटे मिनी भगोने या जो भी कह लो इसको। एक मैंने क्लोथ लिया है, लास्ट टाइम मनाली गया था तो भाई बहुत दिक्कत हो गई थी, हेलमेट पे पूरा डस्ट हो गया था, बाइक पे साफ नहीं कर पा रहा था, तो ये भाई मैंने रॉयल एनफील्ड से एक क्लोथ ले लिया है, ये कुछ है माइक्रोफाइबर करके कुछ कहते हैं इस क्लोथ को, तो मतलब बहुत सही साफ करता है नॉर्मल क्लोथ के मुकाबले, तो ये भी एक सही चीज़ है, तो ये मैंने ले लिया अपने हेलमेट और बाइक के लिए। इसके बाद बाइक भी साफ़ कर ली भाई, अब बचा मैं, हम दोनों किस चीज़ से साफ़ होंगे, तो हमने अपने लिए लिए फेस वाइप्स, क्योंकि बहुत टैनिंग हो जाती है भाई, पूरा फेस ख़राब हो जाता है, फिर मैं आपके सामने व्लॉग में आऊँगा आप बोलोगे क्या आदमी है फेस भी साफ नहीं है, तो ये लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में आते भाई बैग्स, ये मैंने लिया है टैंक बैग, गार्जियन गेट्स का है टैंक बैग, में इसमें मैग्नेट होती है, ये मतलब सही चिपक विपक जाता है उस पर, तो मैग्नेट भी है, बांधने का भी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, आप मतलब पूरा पेपर वर्क, गोप्रो वोप्रो मेरा सब इसमें ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं भाई सैडल बैग्स, तो ये हैं सैडल बैग्स, इस ये आपस में जुड़ेंगे, एक ये है एक वो है, तो सैडल बैग्स जिसको मालूम है वो ठीक है, जिसको नहीं मालूम है बता देता हूँ। सैडल बैग्स होते हैं जो साइड में लग जाते हैं बाइक के, तो ये दोनों साइड एक एक बैग लग जाएगा। इसमें हमने अपने कपड़े रख लिए हैं, तो एक में मेरे कपड़े हैं, एक में जामिन भाई के कपड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी के साथ मैंने ये भी लिए हैं, इसके रेन कवर इसके साथ ही आए थे, और ये भी मेरे को पड़े लगभग 3500, टैंक बैग भी मेरे को लगभग इतने का ही पड़ा है, 3500 समथिंग। इसके साथ में भाई हमें जगह कम पड़ ली, तो लास्ट में हमने मंगाया टेल बैग वो रखा है भाई, तो टेल बैग भी ये समझो आप कि भाई मतलब गार्जियन गेट का ही है, इसके साथ भी सब कुछ है, रेन कवर ये 70 लीटर का है, वो 50 लीटर के हैं, और जो टैंक बैग था वो है आपके 28 लीटर का है, तो भाई इसमें आ जाएगा सारा ये वाला इक्विपमेंट जितना भी है। तो भाई अभी तो बहुत सारा सामान है, पूरी रात है हमारे पास, सुबह हम निकलेंगे 4 बजे, तो भाई कैसे कैसे पैक करना समझ ही नहीं आ रहा है। कपड़े हमने जैसे तैसे उसमें भाई करे हैं बस, क्यों जामिन भाई, सबसे ज़्यादा इशू था कि जामिन भाई के इतने सारे कपड़े थे कि भाई हम रख ही नहीं पा रहे थे कि हमने कैसे भरे हम जानते हैं, और अभी इतना सारा सामान है, और अब बैग है सिर्फ ये वाला, वो दोनों फुल हैं, उसमें गोप्रो आ जाएगा, तो सिर्फ ये बैग है और इतना सारा सामान है, समझ नहीं आ रहा कैसे वो करेंगे। और ये भाई मेरा है, आपने देखा ही होगा, राइडिंग सूट,
एडजस्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि कैंस भी हैं और हम सिंगल बाइक पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ है सामान एडजस्ट करना, क्योंकि दो बंदों का सामान फिर दो बंदे बाइक पे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो राइड होने वाली है, बाइक राइड होने वाली है, तो हमने सामान भी जो है बाइक राइड के हिसाब से कलेक्ट किया है। हाँ, ये सब छोटा छोटा ना हमने इसीलिए लिया है ताकि सब हो सके। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये देखो मतलब मैंने ना घर को एक छोटा क्या ही बोलूँ ऑनलाइन शॉपिंग हब बना दिया है पूरा भाई, बॉक्स बॉक्स अमेजोन का इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। लेट्स गो। तो भाई चलते हैं, करते हैं अभी सबकी पैकिंग। और बट अमन भाई, इसमें कॉस्ट कितना गया होगा आपका टोटल? इसमें भाई टोटल तो मैंने नहीं लगाया, बट फिर भी अप्रोक्स अभी तक मैंने 70-80 के लगभग उठ चुके हैं। 70-80 हज़ार। तो भाई अभी तो ट्रिप शुरू भी नहीं हुई है, इतना सारा खर्चा हो गया। चलो कोई बात नहीं, खर्चा किया है तो भाई व्लॉग में फुल मज़ा आने वाला है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि भाई कहीं कोई पॉइंट मुझसे छूट जाए या क्या है, क्योंकि लद्दाख मेरे भी पहली बार ही है, तो भाई फुल मज़ा आने वाला है लद्दाख ट्रिप में। हाँ, मेरा भी पहली बार है। इसका भी पहली बार है, असल में कोई गया नहीं, और जाने तो बहुत लोग बोल रहे थे मगर कोई आया ही नहीं साथ में, सबको बाइक के नाम से ही डर लग गया। तो लास्ट में मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, वरना इसमें भी मैं अकेले ही जाने वाला था। इसने मेरा साथ हमेशा दिया है। हाँ, वरना तो भाई हो जाता कांड। ये आप देख लो एक बार इसका फाइनल के आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, और इसमें अगर मैं कोई चीज़ भी मिस कर रहा हूँ तो भाई सॉरी, उसके लिए पहले से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। जितना हो चुका है मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ मैं अपना लेके ही जाऊँ, कोई चीज़ ऐसी ना बचे कि हमें वहाँ जाके ज़रूरत पड़े। बाकी तो हमने सब ले लिया है, बाइक का RSA वगैरह सब करा लिया है, कहीं भी इशू आएगा तो RSA वो रॉयल एनफील्ड से आ जाते हैं, रोड साइड स्टैंड वाले बात। बाकी भाई करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, तो भाई चलते हैं, बाय, कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह ऑन बाइक ऑन विद हर GoPro। 4 बजे निकल रहा हूँ भाई। हाँ 4 बजे तो भाई निकलेंगे सुबह सुबह, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से हम, जब तक ना बहुत तेज़ वाली गर्मी ना हो, तब तक हम यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाएँ एटलीस्ट, ताकि हम गर्मी से बच सकें, क्योंकि आपको पता ही है टेम्परेचर लगभग 40 रह रहा है, तो भाई बहुत दिक्कत की चीज़ है।